नमस्ते दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2024 का दिन महीने और आज बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से भारत गौरव यात्रा जाने का संबंधित है। आज इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी संभागीय आयुक्त वंदना जी और साथ ही देवस्थान विभाग के आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। बाकी रेलवे के अधिकारी और राजस्थान सरकार के कर्मचारी होंगे। इसमें कुल बीकानेर से 250 करीब पैसेंजर साथ ऑन बोर्ड हुए। यह यात्रा बीकानेर से चलकर मदुरई जाएगी और मदुरई से रामेश्वरम जाएगी और ये इसका रूट वही होगा जो 22632 अरुणव्रत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। इसमें सारे आईसी होते हैं, सारे ही सेकेंड क्लास के अच्छी क्वालिटी के, खाना पीना रहना सब फ्री है और डॉक्टर की सुविधा भी है और नाश्ता से लेकर सब चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल हैं। साथ ही साथ जहाँ भी यात्री देवस्थान विभाग से के लिए उतरेंगे वहाँ बसों की सुविधा है और आगे टैक्सी की सुविधा भी निःशुल्क है, सभी कुछ निःशुल्क है और बहुत ही आराम से इनको लेकर जाएगी। यह भारतीय जो देवस्थान विभाग की और जो राजस्थान सरकार की तरफ से प्रायोजित टूर है जिसमें यात्रियों की लॉटरी के सिस्टम के द्वारा सलेक्शन हुआ। तो ये आज ट्रेन का डिपार्चर देखिए, मेरे साथ मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ट्रेन में सोने की सुविधा, होटल, बस, खाना, गाइड, चिकित्सा सेवा और बीमा सुविधा जैसी सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन में कंफर्ट और स्टैंडर्ड दो कैटेगरी के होंगे। इसके दौरान यात्रा रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इसके दौरान यात्रा रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने भक्तों के लिए एक खास तोहफा लेके आया है। रेलवे ने 12 में से 7 तो ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई है और उनमें से एक रामेश्वरम भी जाने के लिए बीकानेर से आज 14 अक्टूबर को ये विशेष रेल सेवा शुरू की है। यह सेवा IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा संचालित की जाएगी और इसकी फंडिंग राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत की जा रही है। श्रद्धालुओं को लेकर इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह और अतिरेक उमंग है, विशेषकर बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांग लोग जो दूर दराज के स्टेशनों को पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करते थे उन्हें इस सेवा से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, ऐसा हमारे इंटरव्यू के दौरान पूछने में आया। वैसे इस ट्रेन में सभी डब्बे स्टैंडर्ड कंफर्ट के नहीं है, वो सभी के सभी सेकंड स्लीपर की श्रेणी के हैं और वो अच्छी गद्दीदार हैं। मगर IRCTC ने इस ट्रेन में दो तरह की कैटेगरी अलग से दे रहा है जो इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड और कंफर्ट है, दोनों कैटेगरी का किराया अलग अलग है और सुविधाओं में भी अंतर है। चूँकि ये पूरी यात्रा भारत सरकार के राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री परियोजना योजना के अंतर्गत कवर की हुई है और उसी से फंडिंग इसकी है, इसलिए सभी यात्रियों को स्टैंडर्ड कैटेगरी का जो किराया 30,155 रुपये प्रति व्यक्ति था वह सब तरह से वेव ऑफ हो गया है, माफ़ है और वह पूरी तरह मुफ्त में इसमें पूरी यात्रा करेंगे कंफर्ट कैटेगरी का। और ये बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से होती हुई आगे मदुरई और रामेश्वरम तक जाएगी। दोस्तों, IRCTC ने एक नई मुहिम चलाई है और इसके तहत भारत गौरव यात्रा स्टार्ट करिए। ये ICF के कोचेस से बने हुए ट्रेनें हैं और सबसे पहले नॉर्थ फ्रंट ने इसको स्टार्ट किया था। ये भारत के विभिन्न दार्शनिक स्थल, सांस्कृतिक महत्व के स्थल और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को दिखाने में एकजुट मदद करती है। ये फिलहाल 7 रूट पर चलाई जा रही है और इसमें सभी प्रकार के खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी सब ज़्यादा थे। ये कुल मिला के 7 ट्रेनें अभी चल रही हैं। जैसे ही आपको पता है कि जैसे जैसे भारतीय रेलवे में LHB कोच लग रहे हैं तो ICF कोचेज स्पेयर होते जा रहे हैं, तो ICF कोचेज का अभी फिलहाल उन्हें या तो स्पेशल ट्रेन में चला रहे हैं या भारत गौरव यात्रा के रूप में इसको चला रहे हैं। भारत गौरव यात्रा के रूप में अगर आप देखें तो ये सारे ICF के कोचेज हैं जो रिफर्बिश्ड किए हैं
मॉडल रीमॉडल किए हैं, इन्हें अच्छा बनाया गया है। इसके बाथरूम वाथरूम वगैरह वगैरह सारे अच्छे हैं, अच्छी पैंट्री कार है और इसमें यात्रियों को एक मुश्त आप एक जगह एक बार अपना यात्रा बुक करेंगे तो उससे आपको एक साथ कई सारे चीजें दिखाई देंगी, जिसमें आपका सारा खर्चा शामिल होगा। आपको यहाँ से चलने के बाद खाना पीना रहना होटल की बुकिंग और आगे बसों से आगे भ्रमण ये सब उसके अंदर शामिल है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आप यात्रा कर सकते हो। ये बहुत ही अनूठा और अभिनव प्रयास है IRCTC का, जो कामयाब होता दिख रहा है। अभी 7 ट्रेन चली है और आगे भी चलाने की रेलवे की योजना है। तो इसका बीकानेर में आज पहली बार आई है भारत गौरव यात्रा, तो देखते हैं कि इनके ऑफिसर से बात करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टूरिस्ट गौरव यात्रा से यात्रा करने वाले दो पैसेंजर हमें मिले, उनसे बात करने। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम सरस्वती। अच्छा जी, देव स्थान विभाग से द्वारा फ्री यात्रा है ये, और रेलवे विभाग जितने भी इसका बहुत सहयोग, सब बहुत ज्यादा साहब सबने ये सहयोग किया, फ्री यात्रा है, कोई बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें दी गई है। अच्छा, आप इसमें बताएं इसका इसमें चयन कैसे हुआ था आप लोगों का? हमने पहले बाहर में आया था, फिर फॉर्म भरा है, उसमें फिर अच्छा। नंबर आया हमारा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितने दिन की यात्रा है? ये 7 दिन की यात्रा है, रामेश्वर मदुरई जाएगी। मैम कितने दिन की यात्रा है और कहाँ कहाँ जाएगी? मेरी रामेश्वर मदुरई जाएगी, ये 7 दिन की यात्रा है, इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। अच्छी व्यवस्था क्या, खाने पीने का? खाना पीना सब कुछ व्यवस्था, हमें सिर्फ कपड़े ही लाने के, पहनने और ओढ़ने के, इसके अलावा हमें कुछ नहीं है। वहाँ सारी व्यवस्था वहाँ फ्री है, सब कुछ हमने बोला। मेरी माता जी ब्लाइंड है तो मैं उनको यात्रा करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा, आप उनको एसोसिएट हैं उनके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये भारत गौरव यात्रा आज ही निकलेगी, चलेगी यहाँ से? आज ही यहाँ से। और वापस कब आएगी? 7-8 दिन तक। 7-8 दिन। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। यात्री ट्रेन के अंदर यात्रा करने वाले इनसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। पहले आप नाम बताएं अपना। लक्ष्मी देवी। अच्छा, आप इस यात्रा कर रहे हैं इस ट्रेन में, कैसे लग रहा हो आपको? कैसा अच्छा लग रहा है? कैसा क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ कहाँ तक जाएंगे? रामेश्वरम। अच्छा, रामेश्वरम जाएंगे। बहुत बहुत आप बीकानेर से बिलोंग करते हो क्या? अच्छा जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा बहुत मंगलमय और शुभ हो आपकी, ऐसी हमारी कामना। धन्यवाद। यह भारत गौरव यात्रा जो 1:30 पर बीकानेर से चलेगी और मदुरई और रामेश्वरम की इसमें यात्रा शामिल है। ये भारत गौरव यात्रा का अंदर का इंटीरियर्स है, एकदम नए रिफर्बिश्ड कर दिए गए हैं सारे। ये देखिए, स्लीपर क्लास है। टॉयलेट वगैरह भी अच्छे हैं इसके। गौरव यात्रा आज बीकानेर में पहली बार आई है और इनके ऑफिशियल से इसके भारत गौरव यात्रा जो आज अपनी यात्रा पे निकलने वाली है उनके ऑफिशियल से उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी?
सर ये बीकानेर से भगत की कोठी, वहाँ से फिर पैसेंजर की बोर्डिंग होगी एंड फिर उसके बाद ये रामेश्वरम और मदुरई जाएगी। अच्छा, केवल रामेश्वरम और मदुरई दो जगह जाएगी क्या ये गाड़ी? हाँ जी सर। अच्छा मैम, तो इसमें जाने का प्रोसीजर क्या है, कैसे इसके अंदर कोई नया यात्री इसमें अपना रिजर्वेशन कराए, इसका क्या हो सकता है, बताएं थोड़ा। सर इसमें जो देवस्थान की, राजस्थान सरकार की जो ऐप होती है देवस्थान विभाग की मित्र पर, वहाँ पर जाकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पर उन्होंने वेबसाइट ओपन भी कर रखी थी, वहाँ पर आप अपना जाकर नामांकन कर सकते हैं। मैम इसमें कोई पात्रता भी होती है क्या, एलिजिबिलिटी के भी इन लोगों को ही एलिजिबल होंगे या कोई 60 साल की उम्र या जो भी है? हाँ सर, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आप जो देवस्थान की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। मैम ये बात और पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आज जो चल रही है इसमें कुल कितने यात्रियों ने बीकानेर से बोर्ड किया है, कितने इसमें एसी है और कितने इसमें टू टायर थ्री टायर एसी है इत्यादि? सर ये पूरी ट्रेन है, ये स्लीपर ट्रेन है, इसमें एसी कोच नहीं है। अच्छा, और जो यहाँ से बीकानेर से पैसेंजर है वो 250 अराउंड पैसेंजर है। अच्छा। उसके बाद 350 अराउंड पैसेंजर सर भगत की कोठी से लिए गए, टोटल इसमें 800 के करीबन पैसेंजर जाते हैं। मैडम ये जो ट्रेन है ये IRCTC द्वारा स्पॉन्सर्ड है और ये इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। सर इस ट्रेन में पैसेंजर्स को सभी सुविधाएं मिलती हैं, पैसेंजर्स को सुबह चाय, फिर उसके बाद नाश्ता, खाना और चाय, उन्हें दो टाइम का खाना, दो टाइम की चाय उन्हें, और प्लस में नाश्ता भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। प्लस उन्हें किसी भी तरह की सुविधा की जरूरत हो तो उन्हें प्रदान की जाती है। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपका यात्रा मंगलमय, ऐसी हमारी। आपका नाम बताएं, क्या शुभम? श्री गौतम जी ये बताएं इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था में क्या क्या चीजें मिलती हैं यात्रियों को? खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है इसके अंदर, तीन सब्जियां इसके अंदर, पराठे हैं, अच्छा स्वीट है, रायता है। अच्छा जी, और नाश्ते में क्या मिलते हैं? नाश्ते में चाय मिलती है, अच्छा वही मिलते हैं। क्या इसके अंदर डॉक्टर भी चल रहे हैं साथ इसके अंदर सभी हैं? अच्छा जी, बस बहुत अच्छा, यही मैं बात पूछ रहा था, खाना पीना रहना सब फ्री और सब बसों का भी बसों का भी फ्री है। अच्छा, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है एक जगह से उतर के दूसरी जगह जाना वो भी फ्री होगा? वो जो पास के इन पे नहीं चला जाता वो इनके हाथ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। भारत गौरव यात्रा के कुछ यात्रियों से हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आप ये बताएं सर आप क्या भारत गौरव यात्रा में कहां से कहां के लिए यात्रा कर रहे हैं, अपना नाम बताएं पहले। विजय कुमार पुरोहित। अच्छा जी सर। मेरी मिसेज का नाम विनीता पुरोहित। अच्छा जी। चौथी नगुआ बीकानेर। अच्छा जी, तो सर आप दोनों जा रहे हो क्या? हम दोनों जा रहे हैं इस यात्रा में। अच्छा, तो सर बीकानेर से रामेश्वरम इस यात्रा में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था वो थोड़ा वो बता दें। फॉर्म भरा था। अच्छा, फॉर्म भरा था, तो ये यात्रा कौन करा रहा है? देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको। और आइए, टूर कितने दिन का, कितने दिनों में वापस आओगे? 7 दिन बाद वापस आएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। सरकार को भी धन्यवाद जो यात्रा करा रही है, सरकार जो यात्रा करा रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऐसे चलाते रहे। हाँ बिल्कुल, बाबू का सहयोग है। सभी को बहुत बहुत भैया धन्यवाद, और आपकी यात्रा मंगल में हो ऐसी हमारी कामना है, थैंक यू सो मच। देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित की गई, इसमें WAG 9SC 38724 झांसी का वैग 9 लोको। नमस्ते सर, ये गाड़ी है स्पेशल गाड़ी भारत गौरव यात्रा जो बीकानेर से रामेश्वरम की ओर जा रही है, इसका पूरा प्रबंध भारतीय राजस्थान सरकार ने देव विभाग ने किया है, इसमें यात्रियों का सिलेक्शन किया गया था और ये सारे के सारे यात्री फ्री ऑफ कॉस्ट रामेश्वरम घूमेंगे। बीकानेर से करीबन 350 लोग हैं और 250 लोग आगे हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा सुविधा है, सारे खाना पीना रहना, गाड़ियों की कैटरिंग व्यवस्था सब कुछ फ्री है,
ये यात्रा अपने बीकानेर से अपनी यात्रा से चलने को तैयार है। मैं बहुत अच्छे बिहार हूँ, मैं आपका दोस्त राकेश। आज बीकानेर से चलने वाली 1:30 से चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का उद्घाटन माननीय जिला कमिश्नर बीकानेर संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंधु के द्वारा किया गया और उनके साथ में देवस्थान विभाग के आयुक्त भी थे और राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी अधिकारी भी इस उद्घाटन समारोह में शरीक हुए, सम्मिलित हुए और ढोल बजा के, नगाड़े बजा के इसका स्वागत किया गया, जिसमें लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को और उनके सहयोगियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत कर भावभीना उनको अभिवादन किया गया। आज 14 अक्टूबर 2024 की भारत गौरव यात्रा का टूरिस्ट ट्रेन का उद्घाटन राजस्थान सरकार के कमिश्नर बीकानेर श्रीमती उर्मिला सिंघवी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर उसका फ्लैग ऑफ किया गया और इस आज का जो लोको था WAG-9HC-38724 झांसी का शहर का एकदम नया नवेला न्यूली पेंटेड लोको था। साथ ही झांसी के 38724 WAG-9 डीजल ने पहला होम लिया। लंबे सफर पे चल पड़ी है। WAG-9HC इसको लेके जा रहा है झांसी का। लोको था WAG-9HC-38724 झांसी का शहर का एकदम नया नवेला न्यूली पेंटेड लोको था, जो इस ट्रेन को अपने गंतव्य की ओर इसने रवाना किया। ट्रेन 1:45 पे बीकानेर के प्लेटफार्म नंबर 6 से डिपार्ट करगी, रवाना होगी और सभीों ने बड़ी मंगल कामना के साथ मंगल गीत गाते हुए इस ट्रेन का अंदर भगवान का जाप और भगवान की महिमा गुणगान करते हुए सभी तीर्थ यात्रियों ने भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत भावभीना अभिवादन किया और अपनी ग्रीटिंग्स भेजी उनको कि ऐसी यात्रा और चलती रहे, हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है और प्रसन्नता का अतिरेक ठिकाना नहीं है, इतनी खुशी हो रही है। तो सभी अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुल संख्या में 8 से 10 हैं और आज इसका उद्घाटन डिविजनल कमिश्नर वंदना सिंह जी ने किया। शुभ यात्रा साहब, मंगलमय हो यात्रा आपकी। जय श्री राम, मंगल यात्रा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल यात्रा हो। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए चलाई जाती है। इस ट्रेन में यात्रियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थल, मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। भारत गौरव ट्रेन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। भारत गौरव ट्रेन में स्लीपर क्लास, नॉन एसी, एयर कंडीशन, थर्ड टायर, थ्री टायर,
एयर कंडीशन सेकंड टू टायर होते हैं, इन ट्रेनों में इन्फोर्मेंट सिस्टम यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी, वो सिस्टम भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इन ट्रेनों में ताज़ा भोजन तैयार करने के लिए पेंट्री कार भी लगी होती है। भारत ट्रेन के पैकेज कैटेगरी और बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट www.irctc.tourism.com पर देखी जा सकती है।